नमस्ते प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों क्या सभी के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी एक्चुअली बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जेई का एग्जाम आने वाला है, नीट का एग्जाम आने वाला है और सभी जो बोर्ड है उसके जो एस्पिरेंट है उसके जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो उसमें लगे हुए हैं और पेरेंट्स भी उसके पीछे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अगली जो क्लासेस होंगी वो इसके अकॉर्डिंग अब पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है ये MHRD ने लगाई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ये 29 जुलाई 2022 को एप्लीकेबल कर दी गई थी। जो 29 2020 को सॉरी एप्लीकेबल कर दी गई थी और ये जो 2022 है यहां से टोटली यानी कि ओवरऑल ये एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। कुछ स्टेट में ऑलरेडी 2020 में और 2021 में भी अप्लाई कर दी गई है और इसका जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो हमारा पहला फॉर्मूला होता था 10+2 एजुकेशन सिस्टम, यानी कि 10 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th। अब ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से चेंज होकर ऑल ओवर इंडिया में बन जाएगा 5+3+3+4 सिस्टम। ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसका सबसे बड़ा रोल होगा एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी और साथ के साथ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि बहुत सारी चीजों में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं और ये जो बड़े बदलाव हैं ये समय के साथ होने बहुत जरूरी थे और इन बदलावों का बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर सभी को, मुझे भी, आपको भी, बच्चों को भी और गार्जियन को भी और पेरेंट्स को भी होने वाला है। इसे मैं 5+3+3+4 सिस्टम क्या है उसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम 5 पर आ जाते हैं। 5 का मतलब होता है कि 3 years+2 years। देखिए ये जो 3 years है यहां पर जो आंगनवाड़ी हमारी सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर जो हमारे HRD के कंट्रोल में आता है वो यहां पर इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और कुछ आंगनवाड़ी सेंटर धीरे धीरे ट्रेनिंग के अंडर में गवर्नमेंट स्कूल में ये काम करने लगे हैं। ये जो पहला जो साल होगा बच्चे का, जब बच्चा 3 साल का होगा वो आंगनवाड़ी सेंटर में जाएगा, वो आंगनवाड़ी सेंटर किसी स्कूल से एसोसिएटेड होगा क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर पर इतनी ज्यादा जगह नहीं होती है क्योंकि यहां पर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करानी है, बच्चे को खेलाना है और खेल खेल में वो जो भी चीजें सीखता है उसे सिखाना है। दूसरा जो साल होगा उसका नाम होगा प्री स्कूल और तीसरा जो साल होगा उसका नाम बालीवाटिका होगा और इसमें कोई भी एग्जाम तीनों सालों में नहीं लिया जाएगा, फेल और पास शब्द यहां से पूरी तरीके से गायब है। इसके बाद में जो अगले 2 साल होते हैं बच्चे, उस 2 साल को क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड माना जाएगा और उस बच्चे की एज 8 years कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं 5। अब 3 क्या है? 3 का मतलब है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक और ये जो एज होगी ये होगी हमारी 8 इयर्स से लेकर 11 इयर्स तक। अब एज को काउंट किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ओवर प्रेशर दिया जाता है। अब बच्चों आ जाते हैं यहां पर जो बहुत बड़ा बदलाव आएगा यहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कुछ बोर्ड्स में 9th और 10th क्लास में जो स्ट्रीम होती थी वो डिसाइड होती थी, लेकिन अब जो स्ट्रीम डिसाइड होगी वो 6th क्लास में स्ट्रीम डिसाइड हो जाएगी। इसमें भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल बच्चे को रखा गया है कि जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि भाई अगर आपको साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है तो मैथ ही लिया जाएगा, केमिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है, उसके साथ हिस्ट्री चाहे तो हिस्ट्री पढ़ सकता है, अकाउंट चाहे तो अकाउंट पढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी चाहे तो टेक्नोलॉजी पढ़ सकता है।
यानी कि सिक्स से एट्थ क्लास में बच्चे की जो स्ट्रीम है अपनी मर्जी की स्ट्रीम ले सकता है और उसके साथ साथ में इस स्ट्रीम को वो बच्चा कभी भी बदलाव में ला सकता है, यानी कि चेंज कर सकता है अगर उसे अच्छा ना लगे तो। और उसके बाद में जो बच्चे क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ है उसको कंपाउंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया गया है और इसको सेकेंडरी लेवल नाम दिया गया है और इसमें आपका जो एग्जाम होगा फाइनली वो ट्वेल्थ क्लास में होगा। अदरवाइज बाकी जो क्लासेस होंगी वो सेमेस्टर की तरीके से काम करेंगी। यानी कि मैं आपको फाइनली बता दूं कि फिफ्थ क्लास में एक एग्जाम होगा बच्चे का, दूसरा जो एग्जाम होगा वो एट्थ क्लास में होगा और तीसरा जो एग्जाम होगा वो ट्वेल्थ क्लास में होगा। इससे पहले जो एग्जाम होंगे वो फेल और पास बच्चे को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे, वो सेमेस्टर की तरह से माने जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर आया है। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करें ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे साथ जरूर जुड़े। मेरी क्लास 9 बजे और 11 बजे रात को लगी हुई होती है और मैं इसमें लिंक सब्सक्रिप्शन में आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।